अरे ये इंडिया गठबंधन किसको खुश करने के लिए बना है? इटालियन माता को खुश करने के लिए। सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे भाई नकली जने हो कोई पहन सकता है? एक बार शादी करने के लिए सिखाए तो शादी नहीं हुआ। अगर किसी ने सबसे ज्यादा मंदिर तुड़वाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाया। छोटा कमंडल की सरकार है बगल में उत्तर प्रदेश में, आज भी हम चुनौती दे रहे हैं कि लंका थाना में 150 शिवलिंग हाजत में बंद है। यहाँ जो बाबा है मंत्री बड़ी बयान देते हैं, हम छुड़छुड़ी पटाखा लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही 8 महीने की देर है, लेकिन देश की जनता को गोलबंद करने के लिए इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के द्वारा सनातनियों को लेकर का बयान दिया गया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमलावर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता सनातनियों का अपमान कर रहे हैं, यही हालात उस समय भी थी जब औरंगजेब और बाबर सनातनियों को हिंदुस्तान से मिटाने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद मिट गए। यह हिंदुस्तान है, सनातनियों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इतनी बुरी बात कही, सचमुच में वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे जो मंत्री हैं वहाँ पर, और ये जितने इंडिया ठगबंधन के नेता हैं ये हंसते रहे। आज तक उन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं किया। ऐसे लोगों को जो देश के सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार करेगा, ऐसे लोग जो सनातन धर्म का अपमान कदापि नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और इसलिए कभी रामचरितमानस का अपमान सनातन धर्मावलंबियों के साथ, कभी सनातन धर्मावलंबियों की छुट्टी को समाप्त करना, ये बिहार सरकार का जो तुष्टिकरण का नीति, यह जो सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरे देश की जनता ने ठान लिया है। 2024 में फिर से हमारे सेवक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे, तो फिर ये इंडिया ठगबंधन, ये कितना ठगोगे? ये किस माता को ठग रहा है? भारत माता को नहीं, खुश करने के लिए। ये किसको खुश करने के लिए कर रहा है? हाँ, अरे ये इंडिया गठबंधन किसको खुश करने के लिए बना है? हाँ, इटालियन माता को खुश करने के लिए। राहुल गांधी बाबा मटन उटन खा रहे हैं, बनाकर खा रहे हैं। अरे भाई तो और क्या, उनको उनसे क्या अपेक्षा कर बाबा? आप इनसे कोई सावन में शाकाहारी चीज का अपेक्षा कर सकते हैं? जैसा भी तो लगा लेते और जो, अरे भाई नकली जने हो कोई पहन सकता है? नकली जने ही कोट के ऊपर, हाँ बस कोट के ऊपर नकली जने पहन लिया। वही एक दिवसीय दौरे पर बक्सर जिला अतिथि गृह में पहुंचे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री फर्जी सनातनी है और यह राजनीति का छुरछुरी पड़ाका है। इनकी विदाई का रास्ता इसी बक्सर से खुलेगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी समाप्ति हो जाएगी। अगर किसी ने सबसे ज्यादा मंदिर तुड़वाया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने तुड़वाया है। साक्ष्य मेरे पास, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तुड़वाया है। हिंदू विरोधी सरकार है। अब तक 2418 मंदिर तोड़े गए, गुजरात में 1289, चुट्टा कमंडल की सरकार है बगल में उत्तर प्रदेश में, वहां 688, उत्तराखंड में 42, राजस्थान में जब भाजपा शासित प्रदेश था 375, असम में 17, मध्य प्रदेश में 3, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 300, विश्वनाथ कॉरिडोर में 300 शिवलिंग को तोड़ा गया। आज भी हम चुनौती दे रहे हैं कि लंका थाना में 150 शिवलिंग हाजत में बंद है। ये ऐसा फर्जी हिंदू है कि सावन महीना में भी जलाभिषेक नहीं हुआ, बेलपत्र नहीं चढ़ाया गया। ए फर्जी सनातनियों,
यहाँ तो एगो बड़का सनातनी है यहाँ के जनप्रतिनिधि, कहे नहीं गए जल चढ़ाने, 125 किलोमीटर है, जल चढ़ाते जाके वहां पर आज जमानत लीजिए जाके। और मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, वाराणसी में भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया गया, रानी सती का मंदिर तोड़ दिया गया, कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में मंदिर और मस्जिद टूट सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करना सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो सीख लो, नीतीश कुमार जी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया, आप उसका उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा, कहीं अगर मंदिर और मस्जिद टूटा है तो मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और एसपी को निर्देशित किया कि दूसरे जगह पर उसको स्थापित करिए, सार्वजनिक जगह पर, वो श्रद्धा का प्रतीक है, वो थाना में बंद नहीं हुआ, भगवान शंकर को थाना में बंद कर दिया। और हमारे यहां अगर ऐसे ऐसी घटनाएं हुई तो मंदिर को भी स्थापित करके पुनर्स्थापित किया गया है, तो फर्जी सनातनी कौन, फर्जी सनातनी ही लोग हैं। और हम माननीय यहाँ जो बाबा है मंत्री, बड़ी बयान देते हैं, एकदम छुछड़ी पटाखा लिया राजनीति में, हम उनसे जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के आप कैसे फर्जी ठेकेदार हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो शाहबाद के इलाके में, ये दस्तावेजी प्रमाण है मेरे पास, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, क्योंकि लोग यह जानते नहीं है, हम केवल कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, हम चर्च की भी घेराबंदी करते हैं। कैमूर जिला में हमने नौ मंदिर चार दीवारी योजना को स्वीकृत किया, बक्सर में 7, रोहतास में 31, और इसमें सांसद क्षेत्रीय विकास योजना का फंड देने का अधिकार है। असुली चौबे जी, अगर आप हिंदू हैं, धार्मिक हैं, सनातनी हैं, त्रिपुंडधारी हैं, शिखाधारी हैं, जनेऊधारी हैं, तो हिंदू मंदिरों में जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित था उसमें एमपी फंड का पैसा क्यों नहीं दिया? अगर दिया तो श्वेत पत्र जारी करो, कहां कहां आपने पैसा दिया है, किन मंदिरों की चार दीवारी में दिया है, ये तो कानून के तहत है, गाइडलाइन में है। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों शोर पर है। तमाम विपक्षी और सत्ताधर के दल के नेता, तमाम विपक्षी और सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, वो लगातार बक्सर दौरे पर हैं, और बक्सर का जो लोकसभा सीट है सभी के लिए हॉट केक बना हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो यह अनाप शनाप बयानबाजी दी जा रही है उसका फायदा किसको कितना मिलता है। उमेश पांडे, दर्श न्यूज, बक्सर।